तो चलिए हम ब्रेड से बहुत ही टेस्टी मिठाई बना के तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस, थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं जिसमें मैंने काजू, किशमिश, बादाम और थोड़े से नारियल को लिया है। इसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ये हमारी पीसी हुई चीनी है, आधा कटोरी हमारी मलाई है और ये अमूल दूध का एक पैकेट है, सूखा वाला जो होता है। तो चलिए इसमें हम ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं। जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप चीनी डाल लें। मैं इसमें 1.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ये हम पूरा एक पैकेट डाल लेते हैं। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए हमें कोई खोया की ज़रूरत नहीं है। घर की पड़ी हुई सारे सामानों से हम ये मिठाई बना के तैयार करेंगे। ब्रेड को हम 4 पीस में कट कर लेंगे। ये नॉर्मल ब्रेड ही है, यदि आपके पास आटे वाला ब्रेड हो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें मैंने घी डाला है। घी तेल आप जो डालना चाहें वो आप डाल लें। ये घी हमारा हल्का गर्म है। तो चलिए इसमें हम अपने ब्रेड के स्लाइस को डाल लेते हैं। दोनों ओर से इसे हमें उलटते पुलटते हुए ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये 4 से 5 मिनट में दोनों साइड से अच्छे ब्राउन हो जाते हैं। ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तेल को अच्छे से गिरने दें। सारे ब्रेड को हम ऐसे ही तल के तैयार कर लेंगे। ब्रेड को हमने तल के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। एक बड़े से कटोरी में 1 कटोरी चीनी को डालते हैं। इसी सेम कटोरी से हम 1/4 कटोरी पानी डालते हैं, 1 कटोरी से थोड़ी कम। चाशनी को हमने गैस पे चढ़ा लिया है। 2 इलायची को कूट के डाल लेते हैं। इसे हमें बिल्कुल चिपचिपी चाशनी बनानी है। हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये ऐसे चिपक रही है, बिल्कुल ऐसे ही चाशनी हमें बना के तैयार कर लेनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है, तो आप भी बेफिक्र होकर हमें सब्सक्राइब करें। चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसे हम ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये हल्का गुनगुना रहना चाहिए। जब तक हमारी चाशनी ठंडी हो रही है इसमें ब्रेड के स्लाइस में हम ये मलाई लगा लेते हैं। बहुत टेस्टी ये मिठाई लगता है, एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा। इसे चारों बगल से अच्छा सा एस्पिरेट कर लें और फिर ऐसे हमें करके तैयार करना है। सारे को हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। चाशनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है, हल्की गुनगुनी ही है। इसे हम मिठाई को इसमें अच्छे से डिप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक हमें सोक करके नहीं रखना है, बस दोनों साइड से इसे उलटते पुलटते हमें निकाल लेना है। बिल्कुल ऐसे हमें बना के तैयार करना है। ऊपर से मैंने चेरी को डाल दिया है। ये मिठाई देखने में ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है, तो ज़रूर आप हमें सपोर्ट करें।